सिद्धांत हो गया के दिन में जो घटना हुई थी उन सभी के डिटेक्शन करते हुए 3 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की है। पिछले 2 दिन की हम उपलब्धि बता रहे हैं। 1 कार्बाइन मिला है, 1 देसी कट्टा मिला है, 1 देसी राइफल मिली है, 8 जिंदा कारतूस हैं और 1 मोटरसाइकिल मिली है। देखिए, आज से करीब 1 महीने पहले मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक व्यक्ति था प्रिंस, उसकी हत्या हुई थी। वो खुद भी बहुत बड़ा अपराधी था, कुछ ही दिन पहले जेल से निकला था। उस हत्याकांड में हम लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लेते हुए, चूंकि वो हमारे जिले के टॉप 10 में भी था, एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। यह टीम लगातार अपना काम कर रही थी और पिछले 2 दिन में ये सारे हथियार अपराधी इन्हीं के द्वारा पकड़े गए हैं और इसमें एसटीएफ का भी हम लोग को सहयोग मिला। प्रिंस की हत्या में जो नाम आया था वो आया था दुर्योधन का। दुर्योधन भी एक बड़ा अपराधी है, आर्म्स का सप्लायर है। तो इसकी गिरफ्तारी कल की गई है दुर्योधन की, और इसकी गिरफ्तारी लखीसराय एरिया से की गई है और एसएचओ मटियानी और एसटीएफ की टीम ने मिलकर इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से 1 देसी राइफल मिला है और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। पूछताछ में इसने कबूला है कि प्रिंस की हत्या इसी ने की थी गोली मार के, और हत्या का कारण यह निकल के आया था कि चूंकि दोनों ही अपराधी हैं, दोनों ही एक प्रकार से गैंग चलाते हैं, दोनों में ही वर्चस्व की लड़ाई थी और आपस में दुश्मनी भी हो गई थी, तो इसी चलते ये दुर्योधन ने प्रिंस की हत्या की थी। तो वो मामला पूरी तरह से उद्भेदित हो गया है। लेकिन हमारी टीम को ये सूचना मिल रही थी लगातार कि दुर्योधन एक बड़ा आर्म्स सप्लायर है और ये भी कई सारे अपराधियों को हथियार सप्लाई करता है, जिससे आगे चल के वो लोग अपराध की घटनाएं करते हैं। तो इस पर भी काम चालू हुआ। तो दुर्योधन के 2 जो सहयोगी हैं, एक कन्हैया कुमार है, इसकी गिरफ्तारी रामदीरी मटियानी से हुई है, और एक अजय कुमार है, ये लाखों का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, कन्हैया 2 महीने पहले ही जेल से छूटा है, आर्म्स एक्ट में जेल गया था, मटियानी ने इसको जेल भेजा था। अजय कुमार जो है ये 2001 से हत्या के एक कांड में, इस पर वारंट है, ये उसमें फरार चल रहा है। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया मटियानी से, तो इनके पास से कार्बाइन, 1 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल मिली। तो कुल मिला के ये दुर्योधन एंड गैंग, जो पूरा हथियार भी सप्लाई कर रहा था, अपराध भी करता था, इस पूरे गैंग के जो लोग हैं और इनके पास जितना भी हथियारों का जखीरा था, सब एसटीपीओ सदर और एसटीएफ और उनकी पूरी टीम ने बरामद कर लिया है। तो इस पूरे गैंग की गिरफ्तारी से हमारा केस भी सॉल्व हुआ है और आने वाले समय में जो घटनाएं ये लोग प्लान कर रहे थे, जो अंजाम दे सकते थे, उसको भी पुलिस ने रोक दिया है। इनके बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन की भी हम लोग ने जांच की है, तो कितने कितने लोग को क्या क्या बेच के कितना पैसा इन लोगों ने कमाया, उसका भी लेखा जोखा हमारे पास आ गया है और उन सभी लोगों पे भी हम कार्रवाई करेंगे। तो पूरी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, इससे क्राइम प्रिवेंशन को और बल मिलेगा और मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से पुरस्कार